नवी मुंबई उरण में एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी को तब लूट का शिकार बना दिया गया जब इस पंप का कैशियर रुपए बैंक में जमा करने जा रहा था। उस वक्त कुछ अज्ञात लुटेरे कैशियर के आंख में मिर्च पाउडर डालकर 8 लाख रुपए लेकर भागने में कामयाब रहे। इस बात की शिकायत उरण पुलिस थाने में दर्ज की गई है। हालांकि क्राइम ब्रांच तथा उरण पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए तफ्तीश कर रहे हैं। घटनास्थल पर हमारे प्रतिनिधि मौजूद थे जिन्होंने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत की। सर, जैसा कि जानकारी मिला है कि इस पेट्रोल पंप से कुछ कैश जमा करने के लिए बैंक में जा रहे थे और रास्ते में लूट का शिकार बन गए, तो जानना चाहिए कितने रुपए लूटे गए और क्या लुटेरे के बारे में कोई क्लू मिला है क्या? देखिए, आज सुबह 12 बजे के तकरीबन यहां से 8 लाख का कैश जो पेट्रोल का 2 दिन का बरामद था वो इधर SBI बैंक में जमा करने के लिए यहाँ के सुपरवाइजर और वॉचमैन मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी 3 गिरोह जो मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने वो 2 को चटनी के पुट हाथ में फेंक कर वो जो बैग था वो लेके निकल गए। उसमें से एक के हाथ में चाकू था, ऐसा प्रत्यक्ष बोल रहा है। अभी उसका तहकीकात चालू है, हम लोग उसका तहकीकात कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस दोनों भी कर रहे हैं। वहीं पेट्रोल पंप के मैनेजर से भी बातचीत की गई और पूछा गया किसी पर उनका शक है तब उनका क्या कहना था, आप खुद ही सुन लीजिए। बताएं कि जब ये दुर्घटना घटी उस वक्त आप कहाँ थे? मैं यहाँ था, दुर्घटना उसके पीछे पीछे जाने वाला था जी। एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ में बात करते हुए भी थोड़ा पीछे रह गया जी। लेकिन हमारा कैशियर और जो सिक्योरिटी है जी। वो चले गए थोड़े आगे। सर, लगभग कितने रुपए थे जितने लुटेरे लेकर भागने में कामयाब? 8 लाख रुपए थे। 8 लाख रुपए। अच्छा, कितने लोग आए थे और किस गाड़ी में सवार होकर आए थे? इसका ये हमने नहीं देखा जी। जो कैशियर जो जिसको लुटा गया वो बोल रहे थे कि 3 लोग थे, एक मोटरसाइकिल पे सवार होके उनके पीछे पीछा करके आगे गए जी। और उनके आंख में बसा डाला जी और लूट लिया। तो अब तक मतलब कुछ पुलिस को अंदाजा हुआ या आपके किसी लोगों को अंदाजा हुआ कि पुलिस को सब जानकारी दी गई है? यहाँ आके लोगों ने रिपोर्ट लेके कोई भी चालू है जी। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से आंख में मिर्ची झोंक कर लुटेरों ने लगभग 8 लाख रुपए के लूट के वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल अब तफ्तीश पुलिस विभाग के पाले में है। अब देखना होगा कि लुटेरे कब तक पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। तो मैं किशोर के साथ में गोपाल साहब, कनाडा टीवी, नवी मुंबई।